कांगड़ा में लॉकडाउन के तहत नूरपुर में असर देखा गया। कुछ खाद्य पदार्थों के अलावा सभी दुकानें बंद नजर आई। नूरपुर पुलिस भी पूरी तरह सतर्क दिखी और हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी गई। नूरपुर के DSP डॉक्टर साहिल अरोड़ा ने बताया कि लॉकडाउन में दवाई, सब्जी और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। ये है कि सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, दवाइयों की दुकानें होगी, सब्जी की दुकानें होगी, ग्रोसरी की दुकानें होगी, सिर्फ ये जो लोग हैं यही दुकानें ओपन की जाएंगी। और लोगों से ये हमारी गुजारिश है कि अगर इन दुकानों पे आना है तो कृपया घर से पैदल आएँ सामान लेने के लिए, और ज़्यादा अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें एसेंशियल सर्विसेज के बिना। बाकी जो हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं वो अलाउड है। बॉर्डर हमने पूरे सील कर दिए हैं, कटवाल साइड, चंबा साइड जो बॉर्डर लगते हैं, इंदौरा साइड लगते हैं, सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं। जो लोग जहाँ पे हैं, जिस सिटी में हैं, वहीं रहें। बाहर की गाड़ियाँ या बाहर के लोग स्टेट में अलाउ नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जो है पूरी हमने सख्ती बरती हुई है यहाँ पे, और लोगों को हम गाइड कर रहे हैं कि अपने घरों पे रहें और लॉकडाउन जो है उसको, उसका जो पर्पज़ है उसको डिफीट ना होने दें। आज हम करते मास्क और सैनिटाइजर जो हमारे बॉर्डर के पुलिस वाले हैं जो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम निभा रहे हैं, उनको हमने ग्लव्स और मास्क और सैनिटाइजर बांटने की, ताकि वो भी अपनी सेहत का ध्यान रखें और जो ये संक्रमण फैला हुआ है कोरोना COVID-19, इससे वो भी सुरक्षित रहें, जिससे कि सारा समाज सुरक्षित रहे।